बंद करो बंद करो बंद करो गुंडा टैक्स बंद करो बंद करो बंद करो गुंडा टैक्स बंद मुर्दाबाद नेशनल पार्टी मुर्दाबाद 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 कर रहे हैं। देखिए ये जो जम्मू और उधमपुर के बीच में है जो टोल प्लाजा लगाया गया और 4 साल पहले शुरू हुआ तो उस समय इसका रेट 75 रुपये छोटी गाड़ी का एक तरफा रखा था और उसके बाद इसका एक साल के बाद 85 रुपीज़ हो गया, अगले साल इसका 110 रुपये हो गया और चौथे साल इसका 135 रुपये हो गया, यानी कि 4 वर्षों में 75 रुपये से 135 पे एक तरफा छोटी गाड़ी का कर दिया। बड़ी गाड़ी का इसी तरीके से बड़ा है, कमर्शियल गाड़ी का इसी तरीके से बड़ा है। तो हमारा आज हमने कोई 15 दिन पहले यहाँ प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के हैं जहाँ जिसके ऑफिस के बाहर जम्मू बैठे हैं इनको हमने एक मेमोरेंडम दिया था। हमने कहा कि ये अनजस्टिफाइड है, ये जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी है, ज़्यादती है हमारे लोगों के साथ, ये टैक्स बिल्कुल गैरकानूनी है। और दूसरा आप देखिए कि अगर उधमपुर से जो रियासी कटरा यहाँ से हज़ारों की तादाद में श्रद्धालु जो हैं पूरे देश से वैष्णो देवी जाते हैं उनको तो सिर्फ 25 से 30 किलोमीटर का जो रोड है उसका सफ़र तय करना है, उनको भी 200 रुपये आने जाने का और 135 रुपये छोटी गाड़ी का उनसे भी वसूला जाता है। तो ये किस तरीके का गुंडागर्दी है जिसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हमारी यात्रा में कमी आने की वजह के इस तरीके के टैक्स हमारी यात्रा के ऊपर, पहले हमारा उसके जो हेलीकॉप्टर के ऊपर टैक्स लगा दिया, अभी इस तरीके से 30 किलोमीटर रोड जो है उसका जो है उनसे 65 किलोमीटर रोड का जो चार्ज किया जा रहा है, इसी तरीके से 65 किलोमीटर का रोड जो है स्ट्रेच कश्मीर में बनाया गया उसका 135 आना जाना छोटी गाड़ी का रखा और ये भी 65 किलोमीटर है, इसका 200 रुपया कर दिया है। हम ये भी कहना चाहेंगे कि एक तो जब हम प्राइवेट गाड़ी खरीदते हैं 15 साल का एडवांस में रोड टैक्स देके आते हैं गवर्नमेंट को, और जो कमर्शियल है उसका हर साल टैक्स देते हैं हम, फिर हम पेट्रोल और डीजल पे 8 रुपये सेस देते हैं, यानी कि 8 रुपये टैक्स हर शख्स हिंदुस्तान का डीजल और पेट्रोल पे सेस देता है, टैक्स देता है, और सिर्फ इसलिए कि ये जो रोड्स हैं इनको पक्का किया जाए, वाइडनिंग किया जाए, अपग्रेड किया जाए, बेहतरीन रोड बनाए जाएँ। तो यानी कि पहला जो टैक्स है हम गाड़ी खरीदते हैं 15 साल का टैक्स, फिर हम सेस देते हैं 8 रुपये पेट्रोल और डीजल पे, और फिर टोल टैक्स देते हैं, यानी कि एक गाड़ी को एक सड़क पे चलने के 3 टैक्स, किस चीज़ का, ये गैरकानूनी है। हम तो ये हमारा ये लोगों का है कि टैक्स तो बहुत ज़्यादा लगाया है इन्होंने, लेकिन हम तो ये कहते हैं कि इसको बिल्कुल हटाना चाहिए। अगर हम यहाँ से हमारी कमर्शियल गाड़ी जाती है, अगर जो वहाँ पर पास है गाड़ी का, फॉर एग्ज़ाम्पल 9 क्विंटल पास है और 9 क्विंटल 5 किलो उसमें होगा तो उसका डबल रेट लग जाएगा। तो इस तरीके से जब उधमपुर में चीज़ पहुँचेगी, श्रीनगर में पहुँचेगी, रामबन किश्तवाड़ डोडा में पहुँचेगी तो उसका रेट डबल हो जाएगा, रियासी में पहुँचेगी रेट डबल हो जाएगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये इस तरीके का टोल टैक्स है जिसके खिलाफ़ हम पिछले कई दिनों से, हम पहले उधमपुर डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में हमने धरना किया, गवर्नर साहब को हमने मेमोरेंडम दिया, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं। गवर्नर साहब ने यहाँ की बात करने के बजाय कश्मीर के लिए कहा कि हम वहाँ का टैक्स जो है माफ़ करने के लिए केंद्र से बात करें, लेकिन जम्मू के लोगों का टैक्स माफ़ करने की बात नहीं हुई। अभी अमरनाथ यात्रा आ रही है, अब देखिए अमरनाथ यात्रियों के ऊपर इस तरीके का आप टैक्स लगाएंगे तो यात्रा कैसे आएगी वहाँ? लोग यहाँ पे आना चाहते हैं लेकिन यहाँ पे हमारे पूरी स्टेट जो है ये टूरिस्ट के ऊपर निर्भर है, यहाँ पे इंडस्ट्री है नहीं है और रोज़गार के साधन है नहीं है, और टूरिस्ट को इस तरीके का आप टैक्स लगाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में टूरिस्ट आएगा। तो इसलिए लोकल की तो प्रॉब्लम तो हमारी है ही, लेकिन टूरिस्ट भी यहाँ पे आने के लिए कतराएगा कि इतना पूरे देश भर में जाइए कहीं आपको 200 रुपये वाला टोल प्लाजा नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम कहना चाहेंगे कि आज का हमारा एक रोजा धरना है और हम हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को साफ और क्लियर शब्दों में कहना चाहते हैं, अगर आपने ये टैक्स टोल टैक्स यहाँ से नहीं हटाया, टोल प्लाजा नहीं हटाया, तो हम इससे बड़ा कदम उठाने पर मजबूर हो जाएंगे, लेकिन ये पक्का है कि हम इनको ये जोर ज़बरदस्ती जो टैक्स वसूला जा रहा है हमारे लोगों से ये हम वसूलने नहीं देंगे।